विदिशा जिले के ग्यारसपुर में किसानों की बैंकों में लंबी कतार लग रही है। ग्यारसपुर की बैंकों में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ग्रामीण अंचलों से आए हुए किसान अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि निकालने के लिए आ रहे हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तपती दोपहरी में किसान अपनी बारी का घंटों इंतजार कर रहे हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में जब जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक से बात की तो उनका कहना है कि लॉकडाउन के चलते टेंट नहीं लगा पा रहे हैं। बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रही है तो वहीं किसान में सामाजिक दूरी भी आपस में दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही यूको बैंक में भी लोगों की काफ़ी भीड़ प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। जैसे कि जो सोशल डिस्टेंस का वो सिस्टम रखा गया है, घेरे कोहरे के लिए बना है, यहाँ पे एक भी गोल घेरा नहीं दिख रहा अपने बैंक के पास में। नहीं तो अपन वो तो अपने पास बने होते तो अपन उसका पालन करवा सकते थे ना। कम से कम 100-150 लोग खड़े हुए हैं। वो तो सब उसमें कृषक लेने के लिए उतावले हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज सुबह ही मेरे पास यूको बैंक मैनेजर मिस्टर आशीष गुप्ता का फोन भी आया था कि चाकर भी लोग जो गोला उन्होंने बनाया है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पहले भी तैयारी की थी पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके कि वहाँ एक पुलिस का बंदा 2-3 घंटे रहेगा क्योंकि सुबह ज़्यादा भीड़ रहती है। और अभी हमने दोबारा इस चीज़ को परस्यू किया है कि हमारा नायब तहसीलदार एक राउंड भी लेगा और एटलीस्ट स्टार्टिंग के 10:30 से 11:30 बजे वो पुलिस फोर्स वहाँ खड़ी रहेगी। उसके बाद हर 10-10 मिनट में राउंड लगाएगी क्योंकि हम सभी समझ रहे हैं प्राइमर फेसिया यदि ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसको हम करवा रहे हैं राउंड के बेसिस। और दूसरी बात किसानों ने ये बताई परेशानी को पानी की व्यवस्था भी नहीं, कुछ छाया की व्यवस्था नहीं, लोग लंबी घंटों तक धूप में खड़े हुए हैं। हाँ, अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अवेलेबल नहीं हुआ क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है, निश्चित तौर पर अगर लाइन में इतनी देर खड़े रहना तो पानी और छाया की तो जरूरत पड़ेगी। तो छाया के लिए तो हम लोगों ने दूर जो शेड है दूसरे बिल्डिंग्स की, जनपद भी हमारी हमने किया है कि अभी छुट्टी बंद है सारे सरकारी काम तो वो जनपद में बैठ सकते हैं। और पानी की व्यवस्था अगर नहीं है तो ये आज से मैं 100% श्योर कराती हूँ कि कल से पानी उनको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।